अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज 31 दिसंबर है, रात के 8 बज रहे हैं। हम कुछ लम्हों बाद 2020 में एंटर हो जाएंगे, तो मैं आपसे शेयर करूँगा हम कराची वाले न्यू ईयर कहाँ बनाते हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। पूरा इवेंट आपको कवर करके दिखाऊँगा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा भैरिया टाउन, क्योंकि वहाँ पर एफल टावर पे बहुत अच्छा फायर वर्क होता है, फिर फाउंटेन डांसिंग होती है, कार्निवल पे कॉन्सर्ट भी। तो मैं अपने अब दोस्त को पिक करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसी के साथ मैं जाऊँगा वहाँ भैरिया टाउन। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ रहेगा। फाइनली मैं उज़ैर के घर पहुँच चुका हूँ। अब उज़ैर का वेट कर रहा हूँ, वो लगाएगा भी काफ़ी देर, 1 मिनट का भूल के गया है, और वो मुझे पता है 10 से 15 मिनट में आएगा वो नीचे। अब भैरिया पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितनी देर लगेगी, खैर देखते हैं। वो आ जाए जनाब। फाइनली उधर भाई आ गया मेरे साथ। अब निकलते हैं बैरिया के लिए। निकले भाई? हाँ भाई, हम लोग बैरिया के लिए निकल रहे हैं। अब देखो ट्रैफिक का क्या होता है। स्टेडियम हम अब कराची सुपर हाईवे आ चुके हैं, ट्रैफिक बिल्कुल खाली मिल रहा है। उम्मीद नहीं थी कि ट्रैफिक खाली होगा। आई थिंक अब हम लेट निकले, 9 बजे लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर, तो टूल पर शायद रश मिले या बैरिया के एंट्री पर रश मिले, तो देखते हैं क्या होता आगे। ठंड काफ़ी लग रही है, गाड़ी का हमने हीटर ऑन कर दिया है। आई थिंक 13 चल रहा है सेंटीग्रेड अभी हमारा टेम्परेचर कराची का। बहरिया में उससे भी ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि वो पूरा खाली मैदानी एरिया है, तो देखते हैं वहाँ। हम बहरिया पहुँच चुके हैं, बहरिया के एंट्री पे लाइन में इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बहुत रश है, लंबी लंबी लाइन है। अब देखें कितनी देर लगती है। आई थिंक 30 मिनट्स तो लगेंगे हम अंदर एंटर होने में। अंदर चलते फिर। फाइनली हम बहरिया के अंदर आ चुके हैं, और बहरिया यहाँ से 20 मिनट्स का रास्ता होगा। एफल टावर पर जाएंगे हम, वहाँ पर फायर वर्क स्टार्ट होगा, और अभी मैंने सुना फाउंटेन डांसिंग हो चुकी है शायद 8 बजे, वो भी देखते हैं, फिर कॉन्सर्ट भी देखेंगे कार्निवल पर क्या होगा। बहरिया की रोड्स पर ड्राइव करने का अपनी अलग मज़ा है। 120 की स्पीड पर जा रहा हूँ मैं इस टाइम, और ट्रैफिक बहुत कम है। सब एफल टावर की तरफ निकलते हैं, और मैं 10 से 20 मिनट्स में एफल टावर तक पहुँच जाऊँगा। अभी इस टाइम 11:30 हो रहे हैं, और मैंने सुना सारा मीडिया आया हुआ है, मैं देखता हूँ ये सारा मीडिया, सारी जितना भी मीडिया आया हुआ सारा कवर करने के लिए आया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा यही फायर वर्क होता है कराची में। दिख रहा होगा आपको फायरवर्क कब शुरू हुआ? वजन ठीक 12 बजे का टाइम है, फायरवर्क स्टार्ट हो जाएंगे। इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ का, आई थिंक ये हालत देखकर अंदाजा हो रहा है टेम्परेचर ठंड हो रही है। मुझे सही बात है। फाइनली फायरवर्क स्टार्ट हो चुका है बैरिया में। Happy New Year 2020, welcome 2020.